नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज की क्लास में हम स्पीडी करंट अफेयर्स का वार्षिकांक आपके लिए लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 800 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कम्प्लीट करेंगे जो स्पीडी में दे रखे हैं। अपनी एक सीट पक्की करने के लिए आपको ये सीरीज जो है कम्प्लीट करनी जरूरी है। जैसा कि लिखा हुआ है, पार्ट डी है आज की क्लास में, तो हम आज की क्लास में 600 से लेकर के 800 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले तीन पार्ट्स और आ चुके हैं, उसमें हमने 200 करके क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज की क्लास में हम 800 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे और यही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपने अगर ये कंप्लीट सीरीज कर ली तो आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने ये नहीं करी तो आपको थोड़ा पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो अपनी एक सीट पक्की करने के लिए आपको ये सीरीज जरूर 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 करनी चाहिए। ठीक है, आपको मोटिवेट करने के लिए एक मैं प्यारी सी कोटेशन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिखाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हीरे की तरह चमकने के लिए, अपना एक मुकाम बनाने के लिए, समाज में इज्जत कमाने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई तीसरा या कोई दूसरा आपके लिए मेहनत करने नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा आप मेहनत करते चले जाएंगे, समाज में आपका मुकाम उतना ही ऊंचा होता चला जाएगा। इसके साथ में आपको एक बात और बता दूं, हमारे चैनल पर सभी वन लाइनर क्वेश्चन और पड़े हुए मंथ वाइज स्पीडी के ही, तो आपने अगर वो नहीं किए हो तो जरूर कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन पर ऑल क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर किए। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा COVID-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? कोविन, कोवैक्स, को भारत या कोविजय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोविन। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा है? फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया या फिर चीन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, ताइवान। हाल ही में ईरान के किस देश को फरजाबाद बी गैस परियोजना के बाहर कर दिया गया है? चीन को, भारत को, अमेरिका को या फिर सऊदी अरब को? तो भारत को। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपेडो डिफेंस सिस्टम शेव्ड SHAD शेड पर कार्य करने का निर्णय किया है? अमेरिका, जापान, इजराइल या फ्रांस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, इजराइल। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? रघुनाथ, अनंत मशेलकर ने, शोभना शर्मा ने, राजीव कुमार वाष ने, सोमन बांगचुक ने? तो डी ऑप्शन इज राइट, सोमन बांगचुक ने। किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उपभोक्ता मामले का मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? तो डी ऑप्शन इज राइट, रक्षा मंत्रालय। जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अंटार्कटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी है, उनका संबंध किस देश से है? अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील या फिर अर्जेंटीना? तो ब्रिटेन से। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर तेलंगाना? तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। हाल ही में UAE ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? यूसुफ अली, नजीर अहमद, संजीव कुमार या फिर जसपाल? तो यूसुफ अली को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? फ्रांस, मॉरिशस, बांग्लादेश, मालदीव? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, बांग्लादेश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने
पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है इसराइल, अमेरिका, मालदीव, इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका। आगे देखते हैं। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से नवाजा गया है? द हिंदू ग्रुप, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। द हिंदू ग्रुप। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य में अर्जुन सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया गया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020, क्या नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? वाराणसी, इंदौर, शिमला या फिर नासिक। तो इंदौर को। बी ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, ऑप्शन है JKXA, ESRO, नासा या फिर CNEC। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नासा, NASA, नासा। आगे देखते हैं। किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा का वर्ष के रूप में घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम। तो आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो मध्य प्रदेश में ये आयोजन किया गया है। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज की है? अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान। तो कनाडा ने। ऐसा काम किसने किया है? कनाडा ने किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरे नंबर पर भारत रहा है। IQAir संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान है? पांचवें नंबर पर, सातवें नंबर पर, छठे नंबर पर या दसवें नंबर पर? तो दिल्ली जो है दसवें नंबर पर है। आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2021 होगा, ये टाइप में गलत हो गया, 2021 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? रूस, अमेरिका, चीन, जापान। तो चीन। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से पूरे भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? फ्रांस, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह, शिव कुमार थापा, मनोज कुमार। तो मैरी कॉम। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में बेलेडियम के भंडार की खोज की है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, ग्रेटर नोएडा, श्रीनगर, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? अपूर्वी चंदेला ने, हिना सिंधु ने, मनु भाकर ने, चिक्की यादव ने। तो चिक्की यादव ने ऐसा काम किया है। किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2022, 2023, 2024, 2025। तो 2023 तक का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? ICMR, DRDO, इसरो, भारतीय बायोटेक। तो इसरो ने ऐसा काम किया है। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? गूगल के साथ, फेसबुक के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, अमेजॉन के साथ। तो फेसबुक के साथ समझौता किया गया है। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कौन सा? माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया? देहरादून, भोपाल, मुंबई या बेंगलोर? तो बेंगलोर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी?
हिंद महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या आर्कटिक महासागर में? तो हिंद महासागर में ये योजना शुरू की जाएगी। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल? तो कर्नाटक। किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? किस राज्य का फ्रूट केक, कौन सा आंदोलन? फ्रूट केक। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सांस अभियान की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार? तो मध्य प्रदेश। फरवरी 2021 में मिश्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? ब्राजील, स्वीडन, डेनमार्क या स्विट्जरलैंड? तो डेनमार्क ने ये खिताब जीत लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यवसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? ठीक है, व्यवसायिक खेती के लिए अनुमति दे दी है, कोई भी करो। सिक्किम, असम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश ने यह अनुमति दे दी है। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप की स्थापना की है जो न्यूट्रॉनो की खोज करेगा? चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस? तो रूस ने ऐसा काम किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर, क्या नाम दिया गया? साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। INS खंडेरी, INS कलवरी, INS करंज, INS विक्रांत? INS करंज को जो है ये काम दिया, INS करंज ने जो ये काम किया है। SCO सदस्य देशों द्वारा पापी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया जाएगा? चीन, पाकिस्तान, भारत, तजाकिस्तान? तो पाकिस्तान में। हाल ही में IUCN किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? जंगली हिरन, अफ्रीकी हाथी, हिम तेंदुआ या राइनोसोरस? तो अफ्रीकी हाथी। हाल ही में एशिया की सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहां किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, बेंगलोर, जोधपुर, झांसी, लखनऊ? तो बेंगलोर में। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? टीकाकरण के विस्तार से, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग से, हरित ऊर्जा विस्तार से या शिक्षा के प्रसार से? तो टीकाकरण के विस्तार से। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एस्ट एक्स का आयोजन किया? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जापान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रांस। किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया जाएगा? 33वीं, 34वीं, 36वीं या 38वीं? तो 34वीं। हाल ही में किस देश की पर्वतारोही तसांग यिन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? वो कहाँ की थी? जापान, हांगकांग, नेपाल या भूटान? तो वो हांगकांग की थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? तो गुजरात सरकार ने। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? जापान, मॉरिशस, नेपाल, फ्रांस? तो फ्रांस ने। किस राज्य की पुलिस ने COVID-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब? तो उत्तराखंड ने। ICC द्वारा जून 2021 की जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? शेफाली वर्मा, स्मृति मंथाना, सोफी डेविन या एलिसा हिली? तो शेफाली वर्मा को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने
MSME के लिए SHWAS और AROG ऋण योजना की शुरुआत की है, नाबार्ड, सिडवी, SBI या फिर RBI? तो सिडवी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है? ICMR, भारतीय नौसेना, भारतीय थलसेना, DRDO? तो भारतीय नौसेना। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, इथोपिया या घाना? तो नाइजीरिया। हाल ही में SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया के सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन बना रहा है? सऊदी अरब, रूस, चीन, USA? तो USA। आगे देखते हैं, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी COVID-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 80वां, 85वां, 86वां या 88वां? तो 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रकाश जावड़ेकर, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू? तो नरेंद्र मोदी। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 50% से बढ़ाकर कितने परसेंट किया गया है? 50%, 51%, 74% या 100%? तो 74%। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, सेविंग लाइट्स एंड लेवलीहुड्स, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन इज राइट, सेविंग लाइट्स एंड लेवलीहुड। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है? जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या मॉरिशस? तो जापान। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? सेल्स, फिजी, गुवाटेमाला या घाना? तो घाना। हाल ही में कौन सा देश सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? मतलब देश की कौन सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? कुंजन सक्सेना, जोया अग्रवाल, अवनी चतुर्वेदी या आयशा अजीज? तो आयशा अजीज। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो उत्तर प्रदेश द्वारा। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिक नीति लागू की गई है? सऊदी अरब, ओमान, कतर या संयुक्त अरब अमीरात? तो संयुक्त अरब अमीरात। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, बड़ौदा, मुंबई? तो तमिलनाडु। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया क्या नाम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो कर्नाटक। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? कोलकाता मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो या मुंबई मेट्रो? तो लखनऊ मेट्रो। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो कर्नाटक। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या फिर कोलकाता? तो चेन्नई। मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? खाद्यान्न, खनिज, टेक्सटाइल या अवसंरचना निर्माण? तो टेक्सटाइल के लिए। किस कंपनी द्वारा IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? GIC, LIC, NTPC, ONGC? तो ILIC। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णु गार्ड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है, यह किस नदी पर निर्मित था? ऑप्शन देख लेते हैं, ऋषि गंगा, धौली गंगा, अलकनंदा या राम गंगा? तो ये जो है धौली गंगा पर स्थित था।
जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन है तिहांगे, टाइटन, फुगाकू या फुजी तिशु के। तो फुगाकू, सी ऑप्शन इज राइट। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? भारत, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? नासा ने, जैक्सा ने, रॉस्को मॉस्कोस ने, स्पेस एक्स ने। तो नासा ने। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? तो उत्तर प्रदेश। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो पश्चिम बंगाल में। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा। तो मिताली राज, बी ऑप्शन इज राइट। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या फिर उत्तराखंड? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य में जलाभिषेक जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? नर्मदापुरम, सोनापुर, तिलसुकिया या गोविंदपुर? तो नर्मदापुरम, ये ऑप्शन इज राइट। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा दीप निर्माण करने की घोषणा की है? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड या फिर डेनमार्क? तो डेनमार्क ने। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व पर्यटन संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक? तो विश्व पर्यटन संगठन ने। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? चीन ने, जापान ने, फ्रांस ने या दक्षिण कोरिया ने? तो दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जन जागरूक अभियान मिशन फतेह शुरू किया गया है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा? तो पंजाब सरकार द्वारा। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड्स ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? स्पेसएक्स, नासा, ईएसए या फिर इसरो? तो स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? मतलब भारत को कौन सऊदी अरब के अलावा, सऊदी अरब पहले सऊदी अरब करता था, अब जो है कौन सबसे ज्यादा तेल दे रहा है? ईरान, अमेरिका, वेंजुएला, यूएई? तो अमेरिका। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो दिल्ली सरकार ने। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? छिछोरे, तानाजी, लक्ष्मी या लूडो? तो तानाजी। तानाजी को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया फिल्म का। कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बना है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इन्वेस्ट इंडिया, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान? तो इन्वेस्ट इंडिया। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत के प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन किया है? मतलब किस संस्थान ने? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, एम्स दिल्ली, आईआईटी मुंबई या आईआईटी गुवाहाटी? तो आईआईटी दिल्ली ने ऐसा काम किया है। बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है बंधन बैंक, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक या उज्जीवन फाइनेंसिंग बैंक? तो एयू स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के द्वारा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस
शहर घोषित किया गया है, इंदौर मध्य प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम हरियाणा या हैदराबाद तेलंगाना। तो इंदौर मध्य प्रदेश को जो है वाटर प्लस से घोषित किया गया है। यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है कॉइन DCX, बजीर एक्स, कॉइन बेस या बिट स्टेप्स। तो कॉइन DCX। हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच या डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है? नाबार्ड ने, IDBI बैंक ने, सिडबी ने या फिर ECGC ने? तो सिडबी ने। आगे देखते हैं, 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ता को पंजीकरण करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? जियो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ICICI बैंक या HDFC बैंक? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक। उड़ीसा को गोपालपुर, उड़ीसा के गोपालपुर में के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन सा है? INS कबारती, INS खंजर, INS शिवालिक, INS कोच्ची? तो INS खंजर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? जर्मनी, क्यूबा, दक्षिण कोरिया या दक्षिण अफ्रीका? तो दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस राज्य ने AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता है? गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब या तेलंगाना? तो तेलंगाना ने। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 जुलाई को, 30 जुलाई को, 1 अगस्त को या फिर 29 जुलाई को? तो 1 अगस्त को। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नजीब मिकाती, डेविड पियरे, टॉम एजीजी या अबर्टो जोसीडा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नजीब मिकाती। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी नंदू नोटेकर का निधन हुआ है? बैडमिंटन के थे, क्रिकेट के थे, फुटबॉल के थे या फिर हॉकी के थे? तो बैडमिंटन के थे। हाल ही में अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को दुनिया में मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? फिलीपींस, बुल्गारिया, यूक्रेन, ब्राजील? तो फिलीपींस। हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? जगदीश माथुर, निलेश बिंद्रा, अजय पाठक या राकेश अस्थाना? तो राकेश अस्थाना जो है दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बन गए। प्रति वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, 27 जुलाई को, 28 जुलाई को या फिर 29 जुलाई को? तो 28 जुलाई को। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? KG बिप्पाई, KB कोलीबाड, बसव राज बोम्बई या BC नागेश? तो सी ऑप्शन इज राइट, बसव राज बोम्बई। प्रति वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, 29 जुलाई को, 30 जुलाई को या फिर 26 जुलाई को? तो 28 जुलाई को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? नासिर कमल, जमन राव, अजय शेखावत या फिर राजेश पांडे? तो नसीर कमल जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर कौन बना है? जलगांव, पुरी, बूंदी या फिर गांधीनगर? तो पुरी, जो कि उड़ीसा में है। ड्रिंकिंग फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है। कहां स्थित रमप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर उड़ीसा? तो तेलंगाना में है। प्रति वर्ष किस तारीख को CRPF का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 23 जुलाई को, 26 जुलाई को, 27 जुलाई को या फिर 29 जुलाई को? तो 27 जुलाई को ये काम होता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने, मेघालय सरकार ने, असम सरकार ने या फिर बिहार सरकार ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड ADCCI के उपाध्यक्ष बने हैं? फारूक अहमद, यूसुफ अली, अनवर अली या लियाकत खान? तो अनवर अली जो है ये बन गए हैं ADCCI के उपाध्यक्ष।
टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? चीन की ने, सिंगापुर, रूस या ताइवान? तो चीन की है ये खिलाड़ी। हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? नरेंद्र रणवीर को, बोनीफेस प्रभु को, प्रमोद भगत को, शेखर नायक को? तो प्रमोद भगत को ये पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई, 23 जुलाई, 25 जुलाई या फिर 27 जुलाई? तो 26 जुलाई को ये मनाया गया। हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भगीरथी अम्मा को कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 105, 107, 109, 111? तो 107 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? आदिति चौहान, बाला देवी को, अश्लाता देवी को, सिमित्ता मलिक को? तो बाला देवी नगोम बाला देवी को यह पुरस्कार दिया गया। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? पुरुष के लिए सुनील छेत्री को, सुभद्रा पाल को, संदेश झिंझिंगन को, उदता सिंह को? तो संदेश झिंगन को यह पुरस्कार दिया। प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय स्मारक दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को, 23 जुलाई को, 21 जुलाई को या फिर 25 जुलाई को? तो 21 जुलाई को यह मनाया जाता है। प्रति वर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को, 21 जुलाई को, 22 जुलाई को या फिर 23 जुलाई को? तो 22 जुलाई को ये मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस। हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग स्टील पैदल यात्री पुल खुल गया है? न्यूयॉर्क में, मैनचेस्टर में, लिवरपूल में या फिर एम्स्टरडम में? तो डी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में कौन हेती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? एरियल हेनरी, डेविड पियरे, टॉम एजीजी या फिर एनो डोनाल्ड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एरियल हेनरी। किस देश को वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिल गई है 32 की? नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या फिर अमेरिका? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? एलन गार्सिया, मैरी सी डिज टेरो, पेड्रो क्रिस्टलो और अर्बेटो जोसीडा? तो पेड्रो क्रिस्टलो। हाल ही में किस संस्थान ने किस ऑक्सीजन को बचाने हेतु AMLEX नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित की है? IIT रोपड़, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की? तो इस क्वेश्चन का आंसर है IIT रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? झज्जर में, नोएडा में, शिमला में या फिर आगरा में? तो नोएडा में। हाल ही में IOC ने किस राज्य के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? ठीक है, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, मथुरा रिफाइनरी तो ये कहाँ पर है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में ब्लॉक चेन तकनीकी का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान, पंजाब, मणिपुर या महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र। हाल ही में SCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? M साईनाथ, C विजय कुमार, K वेणुगोपाल, J देसाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विजय कुमार, सी विजय कुमार। आगे देखते हैं, किस गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान दिया गया? चुनी गोस्वामी, मनीतो मबी सिंह, शिवाजी बनर्जी या रणजीत सिंह? तो शिवाजी बनर्जी। प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को, 21 जुलाई को, 17 जुलाई को या फिर 18 जुलाई को? तो 20 जुलाई को। किस राज्य के मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? पंजाब के, राजस्थान के, उत्तराखंड के या फिर उत्तर प्रदेश के? तो राजस्थान के। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर
बनी हैं, आरोही खन्ना, वर्षा माथुर, रितिका मैथ्यू या सीमा नंदा, तो सीमा नंदा। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 मतलब कि 2021 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? मंडेला को, ऑक्सीजन को, टाइटेन को या फिर यस डे को? तो टाइटेन को। आगे देखते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, जम्मू और लद्दाख हाई कोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। प्रति वर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को, 18 जुलाई को, 19 जुलाई को या फिर 20 जुलाई को? तो 18 जुलाई को। किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? रांची में, देहरादून में, ग्वालियर में या फिर पटना में? तो पटना में। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है, वे कौन थे? पत्रकार थे, गायक थे, अभिनेता थे या चित्रकार थे? वो थे पत्रकार। प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को, 15 जुलाई को, 17 जुलाई को या फिर 18 जुलाई को? तो 17 जुलाई को ये मनाया जाता है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। हाल ही में घोषणा अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? जयपुर, नोएडा, सूरत या फिर भोपाल? तो नोएडा में। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हो गया है? पाकिस्तान के थे, अफगानिस्तान के थे, बांग्लादेश के थे या फिर कुवैत के थे? तो वो आपके पाकिस्तान के कौन रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में इजराइल में दूतावास खोजने वाला पहला खाड़ी का देश कौन बना है? बहरीन, यूएई, कुवैत या ओमान? तो यूएई। किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन टैक्सी योजना के लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने, कर्नाटक ने, राजस्थान ने या फिर बिहार ने? तो कर्नाटक ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है? 23%, 28%, 30% या फिर 33%? तो 28% कर दिया महंगाई भत्ता। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन एटीएम किस शहर में खोला गया, मतलब अनाज निकलेगा? आगरा, जोधपुर, गुरुग्राम या फिर शिमला? तो गुरुग्राम में। प्रति वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 13 जुलाई को, 15 जुलाई को, 16 जुलाई को या फिर 18 जुलाई को? तो 15 जुलाई को। हाल ही में एनटीपीसी को किस राज्य में सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने को मंजूरी मिली है? तो कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात या फिर उड़ीसा? तो गुजरात में। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले भारत के पहले भारतीय कौन बने हैं? मोहसिन खान, अशोक दिवाकर, रंजन देसाई, दीपक कावरा? तो दीपक कावरा बने हैं। किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुधीर रमन कप की मेजबानी मिली है? रूस के, चीन के, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया? तो वो कहाँ के थे, चीन के थे। किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? भारत, चीन, जापान, रूस? तो 2026 की जो मिली है वो भारत को मिली है। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा, एक नाथ ढकाल, राम बरन यादव? तो वो बने हैं आपके शेर बहादुर देउबा। हाल ही में जुलाई 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ मंथ ऑफ अवार्ड किसे मिला है? सोफी एक्सले स्टन को, एलिसा पेरी को, स्टेफनी टेलर को? स्टेफनी टेलर को, ठीक है। तो देखो स्टेफनी टेलर, देखो दो बार टाइप होगा, कोई बात नहीं है। तो स्टेफनी टेलर को जो है वेस्ट इंडीज के हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। हाल ही में जुलाई 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? शाकिब अल हसन को, देमुथ करुणा रत्ने को, डेबोन कानवे को, राशिद खान को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये ऑप्शन इज राइट, शाकिब अल हसन को। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित किया है? गुजरात सरकार ने, असम सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने या फिर राजस्थान सरकार ने? तो असम सरकार ने।
किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया है? वो क्रिकेट के थे, हॉकी के थे, फुटबॉल के थे या फिर वॉलीबॉल के थे? तो वो क्रिकेट के थे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया? 10 जुलाई को, 11 जुलाई को, 12 जुलाई को या फिर 13 जुलाई को? तो 12 जुलाई को। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी महमूद उल्ला रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? वो किस देश के थे? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो वो बांग्लादेश के थे। हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? इंग्लैंड ने, डेनमार्क ने, इटली ने या फिर नीदरलैंड ने? तो इटली ने ये अवार्ड जीत लिया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, समीर बनर्जी, तौफिक खान, हरेंद्र जीत सिंह, शैलेश नागर। तो समीर बनर्जी। हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 का कोपा अमेरिकी फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है, जो ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया या वेंजुएला? तो अर्जेंटीना। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG की सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? औरंगाबाद, इंदौर, नागपुर, अहमदाबाद? तो नागपुर। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को, 11 जुलाई को, 13 जुलाई को या फिर 15 जुलाई को? तो ये मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोकेमिक गार्डन खुला है? मैंगलोर, आगरा, देहरादून, चंडीगढ़? तो देहरादून में। किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है? प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन या करीना कपूर खान? ठीक है, तो करीना कपूर खान। आगे है, हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? एमिना केंड जोरेस ने, जाइला आवत गाड़े ने, रियाना एच मूसे ने या फिर चैत्रा एस शुमला ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, गार्डी ने। हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के वित्त मंत्री बने हैं? तो बांग्लादेश के, श्रीलंका के, नेपाल के या फिर म्यांमार के? तो श्रीलंका के। राजपक्षे जो नाम आ जाता है अक्सर के, वो श्रीलंका से रिलेटेड रहता है। किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया? तो रेत का महल किस देश ने बनाया है? पोलैंड ने, नाइजीरिया ने, डेनमार्क ने या फिर सऊदी अरब ने? तो डेनमार्क ने। हाल ही में अमेजोन ने भारत के में किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? बेंगलोर ने, सूरत में, कोलकाता में या फिर पुणे में? तो सूरत में। भारतीय सेना ने हाल में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? सोनाक्षी सिन्हा, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन या रवीना टंडन? तो विद्या बालन के नाम पर ये रखा है। हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन मुंडा, प्रहलाद जोशी, सर्वानंद सोनोवाल या धर्मेंद्र प्रधान? तो धर्मेंद्र प्रधान जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो किस देश, किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर गुजरात? तो वो पश्चिम हिमाचल प्रदेश के थे। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो किस खेल से रिलेटेड थे? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर टेनिस? तो वो हॉकी से रिलेटेड थे। प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को, 6 जुलाई को, 7 जुलाई को या फिर 8 जुलाई को? तो 6 जुलाई को ही मनाया जाता है विश्व चॉकलेट डे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हुआ है? वे थे कवि, अभिनेता, पत्रकार या वैज्ञानिक? तो वो थे अभिनेता। हाल ही में कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? थावरचंद गहलोत को, रमेश बैस को, बसवराज बुम्बई को या सुदीप राव को? तो ए ऑप्शन इज राइट, गहलोत को। किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है? जापान, रूस, चीन, अमेरिका? तो चीन ने। हाल ही में मणिपुर का नया राज्यपाल कौन बने हैं?
सत्यदेव नारायण आर्य, गंगा प्रसाद, लॉ गणेशन, राजेंद्र विश्वनाथ अलंका। तो लॉ गणेशन। आगे देखते हैं, हाल ही में महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? मिंग लेंगिंग, हैदर नाइट, मिताली राज, शोपी डेविन। तो मिताली राज जो है महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? सुजाता मेघवाल, वर्षा पाटेकर, अंजिल गौतम या माना पटेल। तो माना पटेल बनी। किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? मुंबई, जयपुर, कानपुर या पणजी। तो जयपुर में सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा दुनिया का तीसरा। केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितने कर दी गई है? तो LIC चेयरमैन की 61 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष या 65 वर्ष। तो 62 वर्ष। हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? MS वेणु राव, KN भट्टाचार्य, NP सिंह, TC चौधरी। तो KN भट्टाचार्य। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थांगाबेलू की जगह भारतीय दल का नया ध्वजा वाहक कौन बनेगा? ठीक है, देवेंद्र झाझरिया, टेक चंद्र, सुयाश जाधव या फरमान बाशा। तो टेक चंद बने थे इस बार। कौन बने थे? टेक चंद बने थे। हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? केदार सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, भगत सिंह चौधरी या सुरेंद्र सिंह नेगी। तो पुष्कर सिंह धामी बने हैं। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? सिंगापुर को, चीन को, जापान को या फिर ब्रिटेन को? तो चीन को। हाल ही में कौन भारतीय वायु सेना IAF के नए प्रमुख बने हैं? विवेक राम चौधरी, मेघराज सिंह दिनकर, अरविंद कुमार मीणा, राजपाल सिंह राठौर। तो विवेक कुमार राम चौधरी। हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? मनोज कौशिक, रविंद्र कृपालू, मनीष शर्मा, अभिमन्यु मिश्रा। तो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? 29 जून को, 30 जून को, 1 जुलाई को या फिर 4 जुलाई को? तो 1 जुलाई को। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? मणिपुर, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर गोवा? तो गोवा बना है। हाल ही में सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बनी है? दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, शिखा पांडे, प्रिया पूनिया। तो जो है शेफाली वर्मा बनी है। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को, 28 जून को, 29 जून को या फिर 1 जुलाई को? तो 30 जून को। प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया डे, विश्व सोशल मीडिया डे, ठीक है, वैसे के लिए पढ़ दिया मैंने, विश्व सोशल मीडिया डे जो है आपका कब मनाया जाता है? तो विश्व सोशल मीडिया डे आपका मनाया जाता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 30 जून को, 27 जून को, 29 जून को या फिर 25 जून को? तो 30 जून को। एक सेकेंड। हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? अजय ठाकुर, जमन मेनन, शंभुनाथ श्रीवास्तव, रविंद्र चावला। तो शंभुनाथ श्रीवास्तव चुने गए हैं। हाल ही में कौन डॉप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल या आशुला राव। तो आशुला राव बनी है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत की 21 आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? पृथ्वी प्राइम, अग्नि प्राइम, आकाश प्राइम या नाग प्राइम। तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपना भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? आलोक यादव, राघव पुरी, मनीष महात्मे या निशा देवगन। तो मनीष महात्मे को जो है ये जो है भार दे दिया गया है व्हाट्सएप के द्वारा। ठीक है,
चलिए आज की सीरीज फिनिश करते हैं इस महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कोटेशन के साथ। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो समझ गए होंगे आप दोस्तों कि आप मेहनत करते रहेंगे तो 100% आपको सफलता जरूर 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 मिलेगी। ठीक है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।